साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात कर रही है संस्कृत में ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज, और आज हमारी अगली क्लास है शब्द रूप। शब्द रूप का टेस्ट होने वाला आज ओल्ड पेपर में 2008 या 2011 से लेके 2012 रीट 2015 2017 2021 जहाँ जहाँ से टॉपिक वाइज सवाल पूछे गए हैं वहाँ की टेस्ट सीरीज चल रही है। शब्द रूप में आज तक जो जो सवाल पूछे गए हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, किस प्रकार से उसे ऑप्शन देते हैं और कहां से कैसा लेवल रहता है, वो सभी बातें शब्द रूप की आज इस टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं। टेस्ट होगा आज शब्द रूप का। आराम से आप टेस्ट दें, आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट जरूर कर दें, और उसके साथ ही साथ ही एक बात ध्यान रखें, आपके कितने सही हो रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, किस टॉपिक से आपकी गलतियाँ हो रही है, कौन से शब्द रूप आपको याद करने की ज़रूरत है, वो आप एक बार उन बातों को पकड़ें। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि शब्द रूप का आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप उससे पहले या तो उससे पहले या टेस्ट देने के बाद में आप शब्द रूप की विशेष क्लास ली गई है, आप YouTube पर सर्च करें संस्कृत पर राम सर, और उसमें जो प्लेलिस्ट मिलेगी नीचे जाएं, उस प्लेलिस्ट में 50 वीडियो के आसपास वो प्लेलिस्ट है, उसमें जब ओपन करेंगे उसको तो उसमें नीचे जाएंगे तो आपको शब्द रूप की क्लास मिल जाएगी। वहाँ से एक बार वो क्लास जरूर देखें, पूरा आराम से लास्ट तक जरूर देखें, स्टार्ट में ऐसा बताया गया लेकिन लास्ट में उसको आपके मोबाइल के स्क्रीन से समझाया गया है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करें संस्कृत में राम सर, या इसके आगे जोड़ दें संस्कृत में राम सर शब्द रूप, क्या जोड़ दें इसके आगे ही जोड़ दें शब्द रूप, ठीक है। इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं संस्कृत में राम सर शब्द रूप, आराम से आपको पहला वीडियो ऊपर मिल जाएगा, वो देखें, ठीक है साथियों। अब टेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी एक बार शेयर कर दें, जितने भी आपके साथी हैं उन सभी को यहाँ पर जोड़ें जिनकी भाषा संस्कृत है। अब आज शाम से आपको हिंदी का टेस्ट मिलने वाला है, पहला टेस्ट होगा हिंदी का। मैं कोशिश करूंगा रात को 9 से लेकर 10 तक आपको सूचित कर दूंगा कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, आप कमेंट करें। 9 बजे रखें रात को या 10 बजे रखें, या दिन में सही रहेगा जैसे ये 10 बजे है तो वो 12 बजे रख लें, या आपके हिसाब से कोई 3 बजे 4 बजे जो भी हो अच्छा हो, ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम वो टाइम रख लेंगे, ठीक है। तो आज से हम हिंदी का पहला टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो विशेष रूप से जुड़ जाएं जिन जिन की भाषा हिंदी, और मेरे हिसाब से सभी की भाषा हिंदी है, अपने साथियों को विशेष रूप से जोड़ते रहें। मैं कोशिश करूंगा कक्षा 6 से 10 तक जो NCERT किताबें हैं उनसे कुछ आपको टेस्ट लेने की, वो भी हम लास्ट में आराम से फटाफट रिवीजन के माध्यम से करेंगे, तो विशेष रूप से जुड़ जाएँ। अब देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं ग्रुप पर टेलीग्राम पे 19-20 हज़ार अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत से साथी जुड़ रहे हैं, आप भी सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप अपना टेस्ट दीजिए शब्द रूप। तो साथियों देखिए टॉपिक है शब्द रूपाणी ओल्ड पेपर 8/8/2011 से लेके रीट 2021 तक जितने शब्द रूपाणी से प्रश्न पूछे गए हैं, और किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार के ऑप्शन बनते हैं, क्या लेवल रहता है, आराम से देखिए पूरा। पहला प्रश्न है आपके सामने वेदाः सन्ति, वेदाः सन्ति। अब पूछा गया क्या है कि इसमें जो चार होते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं चतुवारे, इसका सही शब्द रूप क्या होगा, इसका रूप क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है किस विभक्ति में होगा, ठीक है। तो वेदाः सन्ति, वेद होते हैं, वेद होते हैं मतलब बहुवचन की बात है, चार हैं। अब चतुर होते हैं, चतस्र होते हैं, चतुवारी होते हैं या चतुवारे होते हैं। वेद पुल्लिंग की बात है, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो तो अलग अलग रूप चलेंगे, तो वेद पुल्लिंग है और इसके रूप कैसे चलेंगे, तो ऑप्शन चारों आपके सामने है चतुर है, चतस्र है, चतुवारी और चतुवारा है। तो किस प्रकार से रूप चलेंगे पुल्लिंग के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा चतुवारा, इसका यहाँ पर क्या होगा चतुवार है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल आपके सामने है त्रिशब्द से स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति बहुवचनी रूपम भवति, त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के अंदर पूछा है बहुवचन रूप क्या होगा, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा त्रि का, प्रथमा विभक्ति में पूछा है त्रि, तो ऑप्शन चारों आपके सामने है तीसरे त्रिभी त्रीणी त्रिय, चारों ऑप्शन है तीसरे त्रिभी त्रीणी त्रिय, कौन सा राइट होगा। तो स्त्रीलिंग के अंदर, स्त्रीलिंग के अंदर साथियों इसका रूप जो चलता है त्रि का वो चलता है आपके तीसरे, क्या चलता है तीसरे चलता है प्रथमा विभक्ति के अंदर। अगला एकस्मै बालकाय फलम यच्छ एकांकित पदी विभक्ति अस्ति, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चारों आपके सामने, इसमें पूछा है कि रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है, रेखांकित जो पद है ये रेखांकित कौन सा है, ये पद पूछा है, इसमें विभक्ति पूछी है कि कौन सी विभक्ति है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आराम से इसमें विभक्ति पकड़ सकते हैं, कैसे देखिए, अगर आपको राम शब्द आते हैं अकारांत
अकारांत पुल्लिंग शब्द आते हैं आपके शब्द रूप, तो आप इसको पकड़ सकते हैं। कैसे? राम शब्द की तरह ही चलते हैं बालक के रूप, ठीक है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए आपके हिसाब से क्या होगा बता दीजिए। अब राम शब्द की तरह ही चलते हैं बालक के रूप। अब राम के बात करें बालकाय, तो रामायण में कौन सी विभक्ति होती है? रामायण में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जिसके साथ आया है उसमें वही विभक्ति मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति होगी? इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बालक के लिए, तो एक के लिए भी इसमें के लिए का अर्थ आएगा और बालक के लिए भी इसमें के लिए का अर्थ आएगा। इसमें दोनों में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब अगला सवाल, यस है इत्युत्तर का विभक्ति, यहाँ पे यस में कौन सी विभक्ति है? यस है इत्युत्तर का विभक्ति, इसमें विभक्ति पूछी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पंचमी, प्रथमा, सप्तमी और षष्ठी। कौन सा राइट आंसर होगा साथियों इसमें? वही बात, यदि आपको राम शब्द आते हैं, ठीक है, राम शब्द यदि आपको आते हैं तो इसमें आप सही कर सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग आपको आते हैं, अब बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? रामे का क्या चलता है? राम शब्द प्रथमा विभक्ति का पूछा है, विभक्ति इसमें रामे में क्या होगा? रामे चलता है। कहाँ पे इसका कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, इसमें भी क्या होगी? ये भी अकारांत है और राम भी क्या है? अकारांत है, तो ये इसमें भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। साथियों मैंने जो एक टॉपिक करवाया है, क्लास ली थी राम शब्द रूप की, उसको लास्ट तक जरूर देखें एक बार, आपके सारे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे। उसी तरह एक ये शब्द रूप का नियम यही है, शब्द रूप और धातु रूप का नियम यही है कि आपको एक एक शब्द रूप अकारांत एक दिन याद कर लिया, एक दिन आपको स्त्रीलिंग जो लता शब्द है, उसके बाद नपुंसकलिंग फल शब्द है, उसके बाद एक एक शब्द बढ़ाया कि पुल्लिंग का हमने इकारांत हरी शब्द ले लिया, फिर उसका उकारांत ले लिया, इस प्रकार से एक एक शब्द बढ़ाए, ठीक है। अब उसको रोज़ लिखते लिखते याद करें, लिख लिख कर याद करें, दो लाइनें याद हुई, चार लाइनें याद हुई, छः लाइनें याद हुई, इस प्रकार से लिख लिख के याद करें। अब याद हो गए, एक याद हो गए, दो याद हो गए, तीन याद हो गए, हमेशा एक एक याद कर लिया आपने, इसका नियम यही है आप रोज़ उनको रिपीट करें, हमेशा उनको पढ़ें, और जब आपको लग जाए कि अब मुझे एकदम आराम से आ गए तो उसको गैप डाल दें, दो तीन दिनों के बाद पढ़ लें, फिर पाँच चार दिनों के अंदर पढ़ लें, उसका रिविजन करें, और एक बार बार बीच बीच में कभी भी लिख लिख कर याद करें, पाँच सात दिन में एक बार पूरे वापस जितने भी हैं वो लिख कर याद करें, आपको कितने याद हैं वो लिखें अपने हाथ से, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और साथियों इनका नियम यही है कि आप बार बार जब पढ़ेंगे तो नए शब्द आएंगे, तो भी आप उनको आराम से पकड़ पाएंगे, तो भी उनको आप आराम से पकड़ पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, इस प्रकार से आप आराम से पकड़ पाएंगे यदि उनका रोज़ आप रिविजन करेंगे अलग अलग शब्दों का। इसमें कौन सी हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। पाँचवा सवाल, युष्मद् शब्द से पंचमी एकवचनीय रूपम भवति, युष्मद् शब्द की पंचमी एकवचन रूप पूछा है। युष्मद् शब्द है उसका पंचमी एकवचन रूप क्या होगा? तो पाँचों में चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वही युष्मद् युष्मभ्यम त्वत्, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमी एकवचन पूछा है साथियों, पहले आराम से ऑप्शन पढ़ें, पंचमी एकवचन पूछा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा त्वत, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अस्माकम इत्युत्तर का विभक्ति, अस्माकम में कौन सी विभक्ति है? वेरी इजी सवाल आपके, आराम से हो जाएगी। अस्माकम में कौन सी विभक्ति है बता सकते हैं आप आराम से? ऑप्शन चारों चतुर्थी, द्वितीय, षष्ठी, प्रथमा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, षष्ठी विभक्ति है। सातवां सवाल, मम इतिश्य का विभक्ति, मम इसमें कौन सी विभक्ति है? मम का पूछा है कौन सी विभक्ति है, तो ऑप्शन चारों आपके सामने, षष्ठी, पंचमी, प्रथमा, द्वितीय, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। अस्मद् शब्द से तृतीय एकवचन रूप लिखो, अब देखिए अस्मद् का पूछा है तृतीय और एक वचन, तृतीय व्यक्ति का एक वचन पूछा है, ठीक है, क्या होगा इसका? चलो आप ये बताइए, कमेंट करें जल्दी से कि यहाँ पे कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है, आप कमेंट करके बताएं फास्ट, जितने व्यक्ति देख रहे हैं, ठीक है, सभी पहले लाइक करेंगे, सभी साथी लाइक करें, उसके बाद में लिखें इसमें कौन सी संधि है, लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी के साथ, जितने साथी देख रहे हैं उसकी संख्या में आप लाइक देख लें कितने हैं, ठीक है, तो उतने लाइक उसे प्लस में रहने चाहिए, जितने साथी हैं उतने कम से कम लाइक होने चाहिए, शेयर कर दे सभी, जो भी अपने साथियों को जोड़ते रहें, टेस्ट पूरा होने के बाद विशेष रूप से शेयर करें और अपने साथियों को जोड़ें, हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं तो सभी साथियों को जोड़ते रहें, बताइए संधि का नाम लिखें सभी। अच्छा देखिए इसमें किस प्रकार से संधि हुई है, इसमें संधि आपके मैंने बताया था ऊपर दो मात्रा वाली, और जहाँ से हम उसका विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन सी संधि हो गई, वहाँ पे वर्दी संधि आपको लगभग मिल जाएगी, वहाँ पर दो मात्रा हो रही है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ का मतलब वर्दी, वर्दी हो रही है, ठीक है, जहाँ पे अब इसमें कैसे हुई है, तृतीय शब्द क्या है, तृतीय धन एक वचने, तृतीय धन एक वचने, तो यहाँ पे क्या है, आ है, तृतीय में क्या है,
आ है, आगे क्या है, ए है। आ और ए जब मिलते हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है और तृतीय एकवचन हो गया। बताइए अस्मत् शब्द से तृतीय एकवचन रूपम, अस्मत् शब्द का तृतीय एकवचन रूप चाहे क्या होगा राइट आंसर, आठवें में राइट आंसर हो जाएगा साथियों तृतीय में मया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बार बार रिविजन करेंगे तो आराम से आप पकड़ पाएंगे कौन सा इसमें है। अगला सर्व शब्द से पुलिंग बहुवचन रूप पूछा है, सर्व शब्द का पुलिंग में बहुवचन रूप क्या होता है, पुलिंग पूछा है और बहुवचन रूप पूछा है तो क्या होगा, सर्व का इसमें बहुवचन पूछा है तो सर्व का क्या हो जाएगा, सर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसवां सवाल तत्शब्द से पुलिंग सप्तमी एकवचन रूप पूछा है, तत्शब्द का सप्तमी एकवचन रूप पूछा है, तत्शब्द का आराम से पढ़े, तत्शब्द का क्या पूछा है, पुलिंग में सप्तमी एकवचन पूछा है क्या हो जाएगा राइट आंसर, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तस्य तस्मई तस्याम तस्मिन, कौन सा होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तस्मिन। ग्यारहवां सवाल जगतः इतित्र का विभक्ति, जगतः में कौन सी विभक्ति है, जगतः में कौन सी विभक्ति है, जल्दबाजी न करें जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है, जैसे आप राम शब्द का सोच रहे हैं वैसा नहीं है, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें, सब षष्ठी तृतीय प्रथमा सप्तमी, जल्दबाजी न करें आराम से, या आप गौर करें कि लिंग कौन सा इसमें, पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, उसके बाद में उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो जगतः किस प्रकार से रूप होगा, कौन सी विभक्ति होगी, यह होगा आपकी षष्ठी विभक्ति, कौन सी होगा राइट आंसर, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। दिशि देखिए, अब दिशि तस्मिन पदे का विभक्ति, इस पद में कौन सी विभक्ति है दिशि में और वचन कौन सा है, विभक्ति और वचन पूछा है दिशि के अंदर, ऑप्शन चारों आपके सामने है, षष्ठी एकवचन, द्वितीय एकवचन, सप्तमी एकवचन, सप्तमी द्विवचन, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा साथियों सप्तमी एक वचन। तेरहवा सवाल महीबुजो इति पदे का विभक्ति, महीबुजो में कौन सी विभक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, महीबुजो में कौन सी विभक्ति है, महीबुजो में कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, तृतीय चतुर्थी सप्तमी षष्ठी। जो साथी नए हैं, जो शब्द रूप पहले नहीं पढ़े हैं, तो एक बार जो मैंने जैसा बताया, आप कहीं से भी, मेरे जरूर नहीं, आप मेरी क्लास लें, कहीं से भी ऑनलाइन एक बार शब्द रूप की क्लास देखें आराम से, उसके बाद में बार बार उनका नियम ये कि बार बार उनको पढ़कर याद करते हुए लिखते हुए बार बार रिविजन करें तो आपको आराम से याद होगा, नए नए शब्द भी आप बता पाएंगे इसमें कौन सी विभक्ति है। तो देखिए महीभुजों में कौन सी विभक्ति है पूछा है, ऑप्शन चारों तृतीय चतुर्थी सप्तमी षष्ठी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आती हो षष्ठी डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमानी इतिश्य मूल शब्द अस्ति, वर्तमानी में मूल शब्द क्या है, ए वर्तमान, बी वर्तमान, सी वर्तमान, डी वर्तमान, कौन सा होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वर्तमान। ठीक है, पंद्रहवां सवाल राज्याम इतित्र का विभक्ति, राज्याम में कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, क्या होगा राज्ञाम में, राज्ञाम का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। राजसु शब्द से मूल शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, राजसु यहाँ पे मूल शब्द पूछा है, राजसु में मूल शब्द क्या है, राज, राजस, राजा, राजन, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल पूछने की संभावना है बार बार रिपीट होने की। राजसु शब्द से मूल शब्द, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, राज, राजस, राजा, राजन, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजन, क्या होगा राजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल शब्द क्या होता है राजसु में, राजन इसका मूल शब्द होता है। पितृ शब्द से षष्ठी बहुवचन रूप भी देते हैं, पितृ शब्द की षष्ठी बहुवचन रूप लिखो क्या है इसमें, तो चारों ऑप्शन पढ़े आराम से, पितृनाम, पितृसु, पितृनाम, पितृनाम, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर, चारों ऑप्शन पढ़े, पितृनाम, पितृसु, पितृनाम और पितृनाम, कौन सा होगा राइट आंसर बताइए आराम से गौर करें, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे मिस टाइप हो या और हो जो भी है, यहाँ पे दोनों सेम है, ये क्या है, ये दोनों सेम है पितृनाम, और ये भी क्या है पितृनाम, ये भी सेम है। ठीक है, अब इनमें से ये दो ऑप्शन आप कॉमन मान सकते हैं, अब कौन सा होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा ए होगा या डी होगा, मतलब इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों सेम है पितृनाम। ठीक है, अब यहाँ पे नाम क्यों नहीं हुआ, एक छोटा सा लॉजिक आप ध्यान रखें हमेशा,
नाम क्यों नहीं हुआ और नाम क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आपका कंफ्यूज चलता है कि षष्ठी बहुवचन में नाम आएगा कि नाम आएगा, ठीक है, को अलग अलग शब्द के आधार पे बात करें तो यहाँ पे आप याद रखें तृतीया में आता है जैसे बालकेन, कभी में बालकेन आता है, अब क्या होगा एन होगा कि एन होगा, तो सीधी सी बात है यदि इससे पहले, यदि इस न या हो न जो भी हो उससे पहले कौन कौन से री रे और से, री रे से इस प्रकार से कोई भी वर्ण आए इनसे पहले तो न का क्या हो जाता है न हो जाता है, न का क्या हो जाता है न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पितृराम में क्या है री आया नीचे तो न का क्या हो गया नाम हो गया और इसमें राइट आंसर यह हो गया। पितृ शब्द से द्वितीय बहुचन रूपम भवति, पितृ शब्द में द्वितीय बहुचन रूप, चलिए आपके सामने ऑप्शन है पितृ शब्द के द्वितीय बहुचन रूप पूछा है, पहला ऑप्शन आपके सामने है पित्रम, दूसरा ऑप्शन पितृन, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है पित्रान और चौथा ऑप्शन पितु। देखिए तीसरा चौथा याद रखें पित्रान और पितु है, ठीक है, और दो पित्रम और पितृन है, तो कौन सा होगा पितृ का पूछा है और कौन सा द्वितीय बहुवचन पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताएं, राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा साथियों पितृन, क्या होगा पितृन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल नदी शब्द से, नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप हो, देखिए नदी शब्द की चतुर्थी विभक्ति पूछिए, पहले आप एक एक शब्द को पकड़े नदी, अब नदी का नाम लेते हैं आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इकारांत शब्द पूछा है और अब आगे चले चतुर्थी विभक्ति पूछी है तो आपका दिमाग चतुर्थी विभक्ति की ओर चलना चाहिए और फिर एक वचन बहुवचन जवाब जो भी है उसमें जाए। तो अब पूछा क्या है नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने है नद्याम नद्या नदीम नदे, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चतुर्थी एक वचन पूछा है तो इसका होगा नदी। अगला नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप पूछा है, अब देखिए वहाँ चतुर्थी था यहाँ कौन सा पूछा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप पूछा है इस बार, तो क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नदी ही, क्या होगा नदी ही इसका द्वितीय बहुवचन होगा। 21वां गुरुनाम इतित्र का विभक्ति अस्ति, गुरुनाम इतित्र का विभक्ति अस्ति, अब देखिए ऑप्शन चारों पढ़े सप्तमी एक वचन षष्ठी एक वचन तृतीय बहुवचन षष्ठी बहुवचन, हमेशा ऑप्शन चारों पढ़ने आपको आ रहा है फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है, किसी में क्या आता है कि दो ऑप्शन आ जाते हैं आप पहला देखते हैं उसको राइट कर देते हैं और अगला भी सही होता है और उसको उभो दे देते हैं, तो जल्दबाजी न करें चारों ऑप्शन पढ़ें ऐसे किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं, तो हमेशा चारों ऑप्शन पढ़कर ही जवाब दें। गुरु नाम इतित्र का विभक्ति 21वां सवाल आपके सामने है, ठीक है, सप्तमी एक वचन षष्ठी एक वचन तृतीय बहुवचन षष्ठी बहुवचन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा षष्ठी बहुवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए रू से यहाँ पे न से पहले क्या आ गया रे आ गया री, मैंने अभी बताया री रे और श, इनमें हो तो न का क्या हो जाता है न हो जाता है गुरु नाम हो गया षष्ठी बहुवचन। गुरुवे इति रूपम अस्ति, गुरुवे अब ये रूप किस विभक्ति का है कौन सा वचन है ये पूछा गया है, तो आराम से चारों ऑप्शन पढ़े पंचमी एक वचन तृतीय एक वचन षष्ठी एक वचन चतुर्थी एक वचन, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है गुरुवे में, गुरुवे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चतुर्थी एक वचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी नदादि भी इतित्र का विभक्ति, अब इसमें विभक्ति पूछी है कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन आपके सामने चारों पंचमी बहुवचन षष्ठी बहुवचन चतुर्थी बहुवचन तृतीय बहुवचन, ये तो तय है कि बहुवचन ही है लेकिन विभक्ति कौन सी है ये पूछा है, बताएं कौन सी होगी विभक्ति, इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों तृतीय बहुवचन विभक्ति होगी तृतीय। मुनि शब्द से षष्ठी बहुवचन रूप लिखो, अब देखिए मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप, षष्ठी मतलब का के की बहुवचन पूछा है, ऑप्शन चारों मुनिराम मुनिराम मुनीन मुनीसु, कौन सा होगा राइट इसमें, 24वां सवाल इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बहुवचन पूछा षष्ठी का तो मुनि नाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मुनि नाम हो सकता था, मुनि नाम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि न से पहले क्या नहीं है री रे से नहीं है, इस प्रकार से न का नहीं रह गया। हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप, अब देखिए हरि शब्द का पूछा है, हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप पूछा है, हरी ऑप्शन चारों आपके सामने है हरी हरीन हरीन हरिम, कौन सा होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए जल्दबाजी न करें, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें प्रश्न आराम से पढ़ें कि क्या पूछा है, इकारांत
द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, पुल्लिंग कौन सा होगा? देखिए हरि का रूप कैसे चलते हैं, हरि के हरि हरि हरिय हरिम हरि हरिन, तो द्वितीय का पूछा है तो क्या होगा, हरिम हरि हरिन, तो बहुवचन क्या होगा इसमें, बहुवचन क्या होगा, इक की मात्रा कौन सी आएगी बताएं, इक की मात्रा छोटी आएगी बड़ी, बी आएगा या सी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2500 सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरिन, इक की मात्रा बड़ी आएगी बहुवचन द्वितीय में। तृतीयात्राए इतित्र इतिश का विभक्ति, तृतीयात्रा में कौन सी विभक्ति है, तृतीयात्राए यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, चतुर्थी तृतीया षष्ठी पंचमी, कौन सी होगी तृतीयात्राए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों चतुर्थी, तृतीयात्रा के लिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। लता शब्द से सप्तमी बहुवचन रूप पूछा है, लता शब्द के आकारांत स्त्रीलिंग और सप्तमी बहुवचन रूप पूछा है, तो कौन सा होगा, चारों ऑप्शन पढ़े आराम से, लता लता नाम लतासु लतासु। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज आपके यहाँ होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये आपको पता है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज यहाँ पर जाते हैं, ये से आएगा या ये से आएगा, तो याद रखें यदि अंत में ए या आ हो, अब लता में क्या है आ है, तो ए या आ हो तो हमेशा ये दंत्य से आएगा, कौन सा सा आएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, और ये दंत्य से आएगा, ए अकेला को स्वर हो तो कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है, नदी सु इस प्रकार से आए तो इस प्रकार से आएगा। अगला 27 सवाल हो गया, 27 में कौन सा होगा, डी होगा राइट आंसर। अगला सवाल ज्ञानेन इतिस्मिन पदे का विभक्ति, ज्ञानेन इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो राम शब्द आदि यदि आपको आ रहे हैं तो इसको आराम से सही कर पाएंगे, ऑप्शन चारों आपके सामने, पंचमी द्वितीया द्वितीया और तृतीया, कौन सी होगा राइट आंसर, कौन सा होगा इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तृतीया राइट, रामेण इस प्रकार ज्ञानेन। पार्थिवेन पार्थिवेन इतित्र का विभक्ति, पार्थिवेन इतित्र कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे 29वां सवाल, उसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसी प्रकार होगा, इसमें भी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तदा प्राय से जननाम मनसी इतित्र बहुवचनांत पदम किम, यहाँ पे बहुवचन वाला रूप कौन सा है, पद कौन सा है, यहाँ पे पूछा है, ये वाक्य दिया गया है, तदा प्राय से जननाम मनसी, यहाँ पे बहुवचनांत पद कौन सा है, यानी ऐसा पद कौन सा है, ऐसा शब्द कौन सा है इनमें से जिनमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, चार शब्द हैं इनमें से कौन सा पद कौन सा है इसमें ऐसा यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, चारों ऑप्शन देखिए, मनसी प्राय से जननाम तदा, कौन सा होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जननाम, ये बहुवचन का रूप है। 31 युद्धाय इतित्र का विभक्ति, युद्ध के लिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, युद्धाय यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, पंचमी द्वितीया तृतीया चतुर्थी, राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, युद्धाय रामाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला बालक बालक शब्द से तृतीय एकवचन पूछा है, तृतीय एकवचन पूछा है बालक शब्द का, ठीक है, तो कौन सा राइट होगा, राम शब्द की तरह चलेंगे बालक के, राम शब्द की तरह चलेंगे, कौन सा होगा बताएं, बालकेन बालकाबी बालकेन बालकई, तो ये तो नहीं होंगे राम शब्द की तरह, अब रामेण होता है उसमें, उसमें क्या होता है रामेण, तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट बताएं जल्दी से, रामेण यदि इसमें होता है तो यहाँ पे कौन सा होगा, रामेण तृतीया में होता है राम का, तो बाल का तृतीया क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बालकेन, बालकेण नहीं होगा बालकेन, क्यों कि यहाँ पे र आया इसलिए नकर्ण हो गया, र नहीं आया है यहाँ पे बालकेन का बालकेन ही रह गया। तो साथियों कमेंट करके बताएं कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने सवाल सही हुए हैं और कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की, प्रश्न आपसे आपने सही नहीं पढ़ा वो गौर करें, आपने ऑप्शन सही नहीं पढ़ा वो गौर करें, किस शब्द रूप में आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही है वो गौर करें, उनको आराम से सुधारने की कोशिश करें, जल्दबाजी न करें। साथियों अगला टॉपिक मैं सूचित कर दूंगा टेलीग्राम पे कौन सा रहने वाला है, उससे पहले आप सभी इस टेस्ट सीरीज को, इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपने साथी को जोड़ते रहें, और अब टेस्ट आपने दे लिया है तो आप शब्द रूप की जो क्लास है यूट्यूब पर आप सर्च करें, ऊपर संस्कृत में राम सर साथ में लिख दें शब्द रूप, संस्कृत में राम सर शब्द रूप इस प्रकार से इंग्लिश में लेकर सर्च करा लें, आपके सामने ऊपर ही ऊपर वो क्लास आ जाएगी, वो लास्ट तक जरूर देखें,
वो क्लास पूरी लास्ट तक जरूर देखें, आपके आराम से पूरी समझ में आ जाएगी। शब्द रूप का आपके जो भी कन्फ्यूज रहा है इनके अलावा, वो आराम से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें समझाने की, वो थोड़ी पहले की बनाई क्लास है लेकिन आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ अपनी क्लास अपने नाम से। इंस्टाग्राम पर साथी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पर ऊपर दिख रही है। ठीक है साथियों, मिलेंगे, नेक्स्ट टेस्ट होगा। सबसे पहले अब मिलेंगे हम हिंदी की टेस्ट सीरीज में, हिंदी की क्लास आज पहला टेस्ट होने वाला है। सभी साथी जुड़ें, ठीक है, सभी के लगभग हिंदी भाषा है तो आप भी जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें। ठीक है, मिलेंगे टेस्ट सीरीज में अगले हिंदी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।